गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को बताया था, हम लोग का मनाली का प्लान। सो आज फाइनली हम लोग निकल रहे हैं मनाली के लिए, और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग जर्नी अपनी मनाली के लिए। इट्स अ स्टॉप ओवर जर्नी एट स्वारघाट, और कल हम लोग मनाली पहुँचेंगे। सो इट्स अ फैमिली ट्रिप। वी आर अराउंड 18 मेम्बर्स, बच्चे और बड़े मिला के। तो खूब मस्ती होने वाली है इस ट्रिप में, खूब मज़ा आएगा। और 4 दिन का ट्रिप है, ट्रिप छोटा है, बट ये कि मस्ती फुल ऑन होगी। सो पूरा अपडेट मिलेगा आपको 4 दिन का। आपके साथ शेयर करेंगे हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या मस्ती की, क्या क्या खाया पिया। सो फुल एंटरटेनमेंट, फुल मस्ती होगी इस ट्रिप में। लास्ट ईयर भी हम लोग इसी टाइम क्रिसमस पे मसूरी गए थे पूरी फैमिली। सो दिस इज़ आवर सेकेंड ट्रिप एज अ फैमिली, मतलब इतनी बड़ा जो ग्रुप जा रहा है। सो अगेन ऑन क्रिसमस वी आर, दिस टाइम वी आर गोइंग टू मनाली। सो बी विद अस, बने रहो और देखते रहो हमारी ब्लॉग्स। सो खूब मस्ती होने वाली है, आपके साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को भी आई होप मज़ा आएगा। तो ले चलते हैं आपको। अभी हम लोगों की बस आने वाली है यहाँ पे द्वारका से। पहला पिकअप हुआ था, जहाँ 2-3 फैमिलीज द्वारका से स्टार्ट किया उन्होंने, और उसके बाद एक और फैमिली वो विकासपुरी से पिक करा है उनको, और अब वो हमें पिक करने आ रहे हैं। तो मैं, हम और मेरे इन लॉज, तो हम 5 लोग अब यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे। तो टोटल 18 मेंबर्स का ट्रिप है ये। तो चलते हैं, मस्ती करते हैं और आपको आगे के सारे अपडेट्स देते हैं। सो चलते हैं, बस आने वाली है, बाहर हम जाते हैं, फिर मिलते हैं अभी बस में। सो ये अब हम लोग निकल गए हैं घर से, बाहर कॉलोनी के बाहर हमारी बस आ रही है। तो वहाँ तक हम लोग बाय कार जा रहे हैं, क्योंकि लगेज काफ़ी है, सर्दियों के कपड़े इतने मोटे मोटे भर लिए हम लोगों ने, तो काफ़ी लगेज हो गया है। तो बाहर सामान छोड़ के हम लोग, फिर मैं वापस गाड़ी रखने आऊँगा और फिर पैदल चले जाएंगे बस पे। ये सीट बेल्ट की आवाज़ बहुत ही इरिटेटिंग है। ये मैडम भी तैयार हो गई हैं, तो बैठी हैं हमारे साथ, चलने को तैयार हैं। बट ये है कि मौसम ठंडा है, सबको खांसी जुकाम लगे हुए हैं। अभी तक पता नहीं था कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, बट फाइनली विद गॉड ग्रेस सब लोग जा रहे हैं, कोई मिस नहीं हुआ। बीच में तो डाइसी लग रहा था कि पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ड्रॉप करना पड़ेगा ट्रिप। पैसे तो जा चुके हैं, बट हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो बट थैंकफुली वी ऑल आर गोइंग। सो खूब मस्ती होने वाली है। और ये देखिए हमारी बस, ये तो DTC बस लग रही है। ये देखिए ये हमारी बस खड़ी है, ANT बस 777। थोड़ी पीछे DTC बस लग रही थी मुझे। सो सब लोग आ गए हैं, ये देखो सब हमारे भाई बंधु सब खड़े हैं, हमारी वेट कर रहे हैं। ओरियो से मिल लो। ओरियो भी हमारा, देखिए हमने ओरियो को भी रात को ड्रॉप कर दिया था यहाँ पे, ये उसका डे केयर है इधर, तो बेचारा वो भी 4 दिन अब हमारे बिना रहेगा। तो ये अभी अब आ गए हम लोग बस में अपनी, रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट कर दी हमने, क्या दबाना है अभी फोन से कर लो, ये तो खुल रहा कैसे दबाए। हेलो दरवाजा खुल रहा था, डरा दिया उन लोगों ने मेरे को। तो अब मिलवाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको अपने फैमिली मेंबर से, और फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। तो ये हमारे जीजू जो लंदन से आए हैं, असहाब अहमद गुरु, ये असहार है मेरे को भाई मेरा, उनका जीजू NRI, और ये आशीष जी जो हमारे लगे हुए हैं थोड़ा, ये भी नई डिवाइस लिए उसमें लगे हुए हैं, थोड़ा सर्च कर रहे हैं। और ये दो भाई शराबी, ये दो भाई हमारे एकदम मस्ती खोरी, हिमांशु और गौरव, और आगे मिलवाते हैं आपको सबसे। ये मामी जी हैं, और ये उनका पोता ग्रैंडसन,
Adrian, say hi. Hello. वीडियो कर रहे हैं, ब्लॉग बन रही है, ब्लॉग आप यूट्यूब पे आओगे। ये हमारी वर्कहॉलिक भाभी जी हैं, एकदम बिजी, सबसे बिजी हैं लाइफ में, ये टाइम ही नहीं है इनके पास। बड़ी मुश्किल से अप्रोच लगा के इनसे हमने छुट्टी ली है 4 दिन की, छुट्टी नहीं ली भाई, उसमें भी लगी रहेंगी पता है मुझे, पर क्या बोले, दुनिया को दिखाना है। ये यूके रिटर्न एनआरआई जीजू की वाइफ, हमारी सिस्टर शिवानी। ये हमारी भाभी कम नैना, नैना कम भाभी, हमारी जीजू की वाइफ भाभी यमुनानगर ये बड़ी दीदी हमारी साल दी, ये इनकी डॉटर ईशा, ये अगेन जीजू के बेटे ईशा, ये हमारी इनसे मिले हुए हो। ये हमारा छोटा ग्रो, क्या हुआ, ऑल वेल, ये मेरी मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, सब खूब मस्ती होनी है 4 दिन पूरे ट्रिप में, होनी है खूब मस्ती, फुल ऑफ एंजॉय कर रहे हैं, सीन पहले शुरू हो चुका है, खूब मस्ती हो रही है। अभी हम लोग चलेंगे मूर्खल, रुकेंगे पहले आधा घंटा लगेगा यहाँ से, होटल चल के ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके आगे निकलेंगे हम लोग, कुछ खाया भी हुआ, भूखे रह गए लोग, इतना कुछ सामान आया हुआ है, बिल्कुल भूखे रह गए, चलो पराठे खिलाते हैं आपको आधे घंटे में, मूर्खल रुकते हैं पराठे खाते हैं, फिर आगे की जर्नी बढ़ते हैं। चलो जी चलो, पहलवान ढाबा आ गया, अब पीछा पढ़ाई करेगी नहीं, वो तो नाच रहे हैं। चलो जी सब पहलवान ढाबा चलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, पहलवान ढाबा, लेट्स हैव सम गुड ब्रेकफास्ट, सम पराठास, साक्षी चलते हैं सब ब्रेकफास्ट करने के लिए, सो लेट्स मूव आगे। स्टे है स्वर घाट में, वहाँ पे हम लोग का नाइट स्टे है, वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जर्नी कल मनाली के लिए। सो यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं लंच के लिए रुकेंगे कहीं पे, कोई अच्छी सी जगह देख के, ऑलमोस्ट अभी 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं 11 बजने में, सो 3 बजे तक देखते हैं, 2-3 बजे लंच के लिए रुकेंगे और तब तक बस में मस्ती मारेंगे, तो ले चलते हैं आपको आगे, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। अभी हम लोग रुक गए हैं लंच के लिए, पिंजौर के आगे थोड़ा सा है, 2-4-5 किलोमीटर आगे आए होंगे, तो छोटा सा कोई ढाबा है, गिल फैमिली ढाबा, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे हमारे,
पिंजौर से थोड़ा सा आगे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे और अभी हम लोग टाइम हुआ है 3:15 बज गए हैं। हम लोग 11 बजे निकले थे वहाँ से, तो ऑलमोस्ट 4 आवर्स की जर्नी कर चुके हैं हम लोग। और यहाँ से अब ऑलमोस्ट 80-85 किलोमीटर्स है हमारा डेस्टिनेशन स्वारघाट, जहाँ पे हम लोगों का नाइट स्टे है। फिर वहाँ से नेक्स्ट डे फिर से कंटिन्यू करेंगे जर्नी। सो देखते हैं कैसा खाना है यहाँ का। टिपिकल जो ढाबा होता है वही है, वो पतीलों में सब्जियाँ और वो सब आपको दिखाते हैं अंदर चल के कैसा ढाबा है, खाना देखते हैं कैसा है यहाँ का। लंच हो गया अब हमारा, हम लोग अब निकलेंगे। बट लंच बहुत ही बढ़िया था, मज़ा आ गया खा के। अल्टीमेट था खाना, टिपिकल ढाबे वाली क्वालिटी और टेस्ट। सो अब हम निकलेंगे यहाँ से स्वारघाट के लिए। हम लोग बस में खेल रहे हैं डमशराज। देखिए दो टीमें बनी हुई हैं, अभी एक मूवी नहीं दे पा रहे हम लोगों को, मूवी देनी है, मूवी नहीं बता पा रहे कि मूवी कौन सी देनी है इन्होंने। ये बता रहे हैं, चलो ये दो टीमें हैं, लेफ्ट वर्सेस राइट, नहीं बोलना इशारों से बोलना। हिंदी मूवी थ्री वर्ड्स, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ थर्ड, थर्ड वर्ड अच्छा टू वर्ड्स, सेकंड हाफ सॉरी बट बेटर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑफ सन ऑफ सरदार सन ऑफ इंडिया सेकंड ऑफ ऑफ अ सेकंड वर्ड ओके हम जीत गए हैं, यस कम ऑन। तो स्कोर हो गया 1-1। ठीक है 1-1। तो हमारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो देखो, ये बुआ को भेज दूँ। सब हम लोग स्वारघाट पहुँचने वाले हैं, हार्डली 5 मिनट्स दूर है बस होटल से। सब लोग खूब मस्ती करके सो गए थे, तो सबको उठाया जा रहा है। ये देखो सब सो गए मस्ती में, धीरे धीरे सब उठ रहे हैं। अब तैयारी है उतरने की बस से। सो हमारा पहला डेस्टिनेशन होटल हिल टॉप एट स्वारघाट, वी आर अबाउट टू रीच। 5 मिनट और, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया यहाँ पे क्योंकि हम लोग हिल्स पे हैं इस टाइम। और सो पहुँच के देखते हैं होटल कैसा है यहाँ पे। इट्स जस्ट अ स्टॉप ओवर, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं किया कि प्रॉपर्टी कैसी है और क्या है, बट इट्स अ मिड पॉइंट, तो इसलिए हम लोगों ने होटल बुक किया है। कल अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान है यहाँ से हम लोगों का। सो कल हम लोग निकल जाएंगे मनाली अर्ली मॉर्निंग, सो दैट हम लोग टाइम से पहुँच जाए वहाँ पे। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए स्वारघाट द हिल टॉप होटल। नौ घंटे 15 मिनट लगा के
ये देखिए हम लोग आ गए हैं हिमाचल टूरिज्म का, ये द हिल टॉप स्वर घाट। हाँ, होटल तो अच्छा लग रहा है, ये गवर्नमेंट हिमाचल टूरिज्म का है, हिमाचल गवर्नमेंट का होटल है ये। सो अच्छा, काफी बड़ा है और काफी पुराना बना हुआ है यहाँ पे। सो हम लोग आ गए हैं, चेक इन कर लिए हम लोगों ने होटल में और आज यहीं स्टे करेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान है मनाली के लिए, तो जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे और वहां पे जाके एंजॉय करेंगे। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा हमारी ब्लॉग देख के। सो प्लीज़ ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का ज़रूर शेयर करिए और बने रहिए हमारे अगले व्लॉग्स के लिए। जल्दी लेके आते हैं हम आपके लिए, अब दिखाते हैं इसके बाद आपको मनाली का क्या क्या हम लोग वहाँ पे मस्ती करते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। सो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, सी यू।